चलिए बढ़ते आगे बाद अब प्याथल के, जहां प्राचीन शिव मंदिर में कांवड़ियों ने जलाभिषेक कर पूजा अर्चना की। रात से ही मंदिरों में लंबी लाइनें लगी रही। भक्तों ने कहा कि उन्हें भोले बाबा से शक्ति मिलती है, भोले बाबा सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। सावन माह भोले बाबा का सबसे प्रिय महीना होता है। भोले बाबा के श्रद्धालुओं द्वारा बड़ी श्रद्धा और निष्ठा से भगवान शिव का जलाभिषेक करके पूजा अर्चना करने को बहुत ही शुभ माना जाता है। श्रद्धालुओं को यह अटूट विश्वास है कि सावन महीने में हरिद्वार से कांवड़ में गंगा जल लाकर शिवरात्रि के दिन शिवलिंग पर अर्पित करके पूजा अर्चना करने से भोले बाबा बहुत खुश होते हैं और श्रद्धालुओं की सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। कैथल के महाभारत कालीन प्राचीन शिव मंदिर में भगवान शिव के 11 रुद्रों की भगवान कृष्ण ने पांडवों की गति और मोक्ष करवाने के लिए स्वयं पूजा अर्चना करवाई थी, इसलिए कैथल के शिव मंदिरों का धार्मिक विशेष महत्व माना जाता है और कैथल को मिनी काशी भी कहा गया है। हरिद्वार से कांवड़ लेकर आने वाले भोले बाबा के भक्तों ने कहा कि उन्हें भोले बाबा से शक्ति मिलती है और वह बिना किसी रुकावट के बम बम भोले के जयकारों के साथ हरिद्वार से कांवड़ में गंगा जल लेकर आते हैं और भोले बाबा को अर्पित करते हैं। भोले बाबा इनकी सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। उन्होंने कहा कि वह भोले बाबा से उनके घर और पूरे देश में सुख शांति की मंगल कामना करते हैं। मन अच्छा होता है, सब सुख शांति होती है घर में, इसीलिए कावड़ लेके आते हैं। अगर हरिद्वार से सारी रात चलते हैं, दिन रात चलते हैं, बड़ी श्रद्धांजलि से लेके आते हैं। बोले भोले बाबा से यही कृपा करूंगा कि मैं मुझको हर बार बुलाए, हर बारी मेरे मनोकामना पूरी करे, हर हर बारी तरक्की से तरक्की देता रहे, हर बुलाता रहे, जय भोले की। बहरहाल हरिद्वार से गंगा जल लेकर आए कांवड़ियों ने आधी रात को ही बम बम भोले के जयकारों के साथ भोले बाबा के 11 रुद्रों पर जलाभिषेक कर पूजा अर्चना करनी शुरू कर दी थी। श्रद्धालुओं द्वारा बड़ी श्रद्धा और निष्ठा से पूजा अर्चना करके शिवरात्रि का पावन त्यौहार मनाया गया। कैथल के महाभारत कालीन प्राचीन 11 रुद्री शिव मंदिर, प्राचीन अम्बकेश्वर शिव मंदिर और अन्य ऐतिहासिक शिव मंदिरों में भोले बाबा पर गंगा जल से अभिषेक करके पूजा अर्चना करने के लिए लाइनें लग गयी। टोटल टीवी के लिए नवीन मल्होत्रा की रिपोर्ट।